क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 इंटीग्रेशन बाय पार्ट इंट्रो। आज हम लोग केवल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। और देखो ऐसा है कि फार्मूला शायद लिखा देने पर कम याद होता है, जब उसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं तो कुछ देर तक याद रहता है ना। या मन में ये रहता है अगर आ जाएगा तो 5 मिनट लेट ही सही उसको निकाल लेंगे ना। तो जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट कब करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कब करते हैं, ठीक है, तो इसमें बताना चाहूँगा आपको। इट इज यूज्ड हाँ किसके लिए, फॉर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस ओके ना, बट नॉट ऑलवेज ओके। आपको बता दूं कि जब प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन की बात किया है तो दो फंक्शन होंगे। इंटीग्रेशन में जब बाय पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको कंसीडर करना होगा विच वन इज फर्स्ट पार्ट एंड विच वन इज सेकंड पार्ट ओके। तो आपको बता दूं पहले ही आई लेट आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, L for logarithmic function, okay? Yes, sir. A for algebraic function, okay? C for trigonometric function. Exponential. And E for exponential function. ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा, ये ऑर्डर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है। ऐसे मान लीजिए आपको मिल गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन, जिसे ये दोनों मिल गए, तो किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड? अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे, एक्सपोनेंशियल को जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन है। इस ऑर्डर में जो पहले रहेगा वो फर्स्ट फंक्शन है, जो बाद में रहेगा सेकंड फंक्शन। जैसे बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इनवर्स फंक्शन है, तो किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे? इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानेंगे। U and B, B. सर चालू है। चालू है? Yes sir, चालू है। Let U and B be two functions. E और V दो फंक्शन हैं, okay? तो हमको अगर हम इस फंक्शन के प्रोडक्ट का जैसे यू वी है ना, इसके प्रोडक्ट का क्या वो क्या करें, डिफरेंशिएट करें, क्या करें, अब किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट, तो क्या होगा जरा बताइए। फर्स्ट टर्म dx ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म dx ऑफ फर्स्ट, ओके। अब जरा इस पद का, इस पद को हम इधर ले आते हैं, ठीक ना, या यू कह लीजिए, अगर आप वैल्यू निकालें इसका यू डी डी एक्स ऑफ डी का, तो क्या मिलेगा हमको, डी डी एक्स ऑफ यू यू ही माइनस वी डी डी एक्स ऑफ यू, ओके, ये मिलेगा ये हमको, यस सर। अच्छा चलिए ठीक है, क्या लिख दिए मैं, अच्छा हाँ ठीक, वैल्यू यहाँ से निकालिए ना। अब एक काम करो, अब हम पुट करते हैं, क्या ले लेते हैं, यू इज इक्वल टू एफ एक्स
काम करते हैं, छोड़ दीजिए जाने के लिए, कि रख ही ले, पहले मान ही रख ले क्या है? पहले मान रख लेते हैं, ठीक है? तो ठीक है, पहले मान लेने के बाद फिर या इंटीग्रेट करके मान लें, दोनों हो सकता है, ठीक है? दोनों हो सकता है, पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं वो साइड, क्या इंटीग्रेट कर रहे हैं? इंटीग्रेटिंग, शायद यहाँ दिख नहीं रहा स्पष्ट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट होगा? यस सर, ये क्या हो जाएगा? यू डी वी डी डी साफ भी डी एक्स इक्वल टू, इधर चलिए आओ, मैं दिख रहा हूँ, इधर आओ और आओ उधर आओ, इसको खींच लो, पेंस खींच लो इधर। अब डी डी एक्स ऑफ यू वी ओके माइनस वी डी डी एक्स ऑफ यू डी एक्स, सॉरी यहाँ डी एक्स नहीं लिखे हैं, ओके यस सर, ये तो कर लिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब आप हमको बताइए, अब आप हमको बताइए कि अगर हम डी डी एक्स ऑफ एक्स करंट क्या आएगा? वन, यस सर, इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ एक्स डी एक्स करंट क्या आएगा? एक सेकंड, इसकी वैल्यू कितनी है? वन, वन डी एक्स, यस यस, दैट्स व्हाट, यस, ये आ गया ना, यस सर। इसका मतलब अगर हम यहाँ कर लेते हैं इसे, क्या आ जाता है ये एक्स आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? यू वी, यस सर, बोलो भाई क्या होगा? यू वी माइनस वी डी डी एक्स ऑफ यू डी एक्स, और इसको ऐसे रहने दे रहा हूँ, यू डी डी एक्स ऑफ वी डी एक्स, ठीक है? तो पहले इतना आप नोट कर लें, तो फिर और कुछ करके, ब्लैक बोर्ड छोटा है भाई। अब हम मानते हैं लेट यू बराबर, क्या मान लें? यू बराबर एफ एक्स, क्या होगा? यू बराबर एफ एक्स। अच्छा ये बताओ कि ये एक चीज और रहता है, अगर डी डी एक्स ऑफ यू कर दें तो क्या हो जाएगा? ये बोलो सर, हाँ यस। और ये चीज मैं ले रहा हूँ, डी डी एक्स ऑफ वी बराबर जी एक्स, बोल गया आप, बराबर जी एक्स मैंने लिया, दिस इंप्लाइज दैट डी वी इज इक्वल टू व्हाट? जी एक्स, यस सर। अगर इंटीग्रेट कर दें, बोलो भाई इसका क्या हो जाएगा? वी वी इज इक्वल टू व्हाट? डी एक्स डी एक्स, ओके कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ यही सब चीज कंफ्यूज करती है, इसलिए मैं पहले ही आप लोगों को बता दिया। मैं यहाँ के बाद, यहाँ के बाद यहाँ डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता था, यस सर, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं, मैंने ऐसा किया नहीं। तो क्या हो जाएगा भैया? ये क्या है? ये क्या है? एफ एक्स, यस सर। तो एफ एक्स और ये क्या है? जी एक्स है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, प्रोडक्ट आ गया नहीं, डी एक्स बराबर क्या होगा? अब बताओ यू यू क्या है? एफ एक्स है, और वी क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, जी एक्स
डी एक्स है ना, माइनस माइनस चलो क्या है भाई, इंटीग्रेशन में साइन लगा देंगे yes, ही क्या है इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, अब पूरे का ब्रैकेट लगेगा, क्या हो जाएगा डी एक्स, पहले इतना नोट कर लें, फिर इस फार्मूले को मैं समझाता हूँ, नोट इट प्लीज। एफ एक्स जी एक्स डी एक्स बराबर क्या आया, क्या आया था इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स ओके इसको जरा पर्सनलाइज करते हैं अपने रूल्स में। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या इनटू सेकंड ना डी एक्स बराबर क्या होगा फर्स्ट फंक्शन, पहले देखिए यहाँ क्या है फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स, भाई डी एक्स रिस्पेक्ट में लिया, कहीं हमको टी के रिस्पेक्ट में लेना होगा, कहीं हमको थीटा के रिस्पेक्ट में लेना होगा ना, तो बड़ा माइनस फोर इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन ना इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, बोल भाई डी एक्स होल का इंटीग्रेशन है कि नहीं। यस सर, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या हम लिए हैं उसमें एक्स कॉस एक्स, क्या लिए हैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक्स कॉस एक्स, आई लेट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कॉस एक्स डी एक्स माइनस पहले लगा लीजिए इतना डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है एक्स इनटू कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा नहीं होगा ओके। चलो कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है एक्स साइन एक्स, अरे ध्यान दो प्लस सी वन इन प्रॉब्लम, एक काम करो ये सी वन सी टू अभी बताएंगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इंटीग्रेशन बाद लास्ट में सी लिख दिया करो ठीक है, एनसीईआरटी भी कहती है, अभी दिखाएंगे एक सवाल में आपको हम माइनस इंटीग्रेशन आप इसका क्या हो जाएगा वन लिखेंगे नहीं yes, इसका क्या हो जाएगा साइन एक्स साइन एक्स ओके। सुनिए पहले साइन एक्स डी एक्स सही है सही है नहीं, हाँ इसका क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस के मान लो ना, बस ऐसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया हमने लिख दिया एक्स था ही नहीं यहाँ पर वैल्यू को, इसका क्या आया साइन एक्स प्लस के क्या आया
साइन एक्स प्लस के। सी वन सी टू में लिखे के लिख लिया, क्या लिखा के लिखा। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस के यहाँ से कर दो भैया डी एक्स। ठीक, कोई जरूरत नहीं करने की, लास्ट में कर दो ये। लेकिन आपके मन में कुछ बात आ सकती है, नहीं ऐसे कैसे होगा, तो इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा ये, x sin x बोलो प्लस kx इंटीग्रेशन, रुको भाई, माइनस sin x dx माइनस के बाहर ले लेंगे डीएक्स, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर एक्स साइन एक्स प्लस के एक्स प्लस, यहाँ इसका माइनस हो जाएगा प्लस कॉस एक्स प्लस कुछ सी मान लो माइनस के एक्स, देखिए कट गया ये, क्या आया एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। हमने कहा कि कोई मतलब नहीं है इस समझ लो के एक्स फैक्ट किया दुनिया में, कोई मतलब नहीं है, सीधा इंटीग्रेट करो लास्ट में सी लिख दो। ठीक ना, सीधा किया करिए, शंका समाधान हुआ। हाँ नोट करें प्लीज। अब एक फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स प्लस एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इजिकल टू ई पावर एक्स एफ एक्स। ओके, मैं यही छोड़ भी सकता हूँ इसको, लेकिन भाई प्रूफ कर लिया जाए कहीं भूल ना जाए, इसीलिए तो प्रूफ के लिए हमने यहाँ प्रूफ लिखा भी है, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, थोड़ा ब्रेक कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। चलिए भाई, फिर ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया है। अब किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड, हाँ भाई ये तो एक्सपोनेंशियल है, क्लियर सी बात है, ये तो लास्ट में होगा ही, इसलिए इसको हम सेकंड फंक्शन मान रहे हैं, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, हो सकता है जैसे अरेंज हो जाए, मुझे लगता है कि जैसे अरेंज हो जाए। चलो भाई अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पहले क्या होगा ई पावर एक्स फिर इंटीग्रेशन ऑफ प्लस इसको एज इट इज रख रहे हैं हम लोगों के मन में कुछ गड़बड़ी है, अरे तो भी माइनस वाला किए ही नहीं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ना फर्स्ट का इंटीग्रेशन डीडीएक्स ऑफ फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन एफ डैश एक्स हो जाएगा, फिर ई पावर एक्स डीएक्स प्लस बस ये वाला है ना, इसको आगे पीछे कर सकते हैं एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डीएक्स चले गए, क्या बचा एफ एक्स ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होगा प्लस बराबर राइट हैंड साइड हुआ कि नहीं, नोट इट प्लीज। चलिए भाई देखिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो रही ना, यहाँ इंटीग्रेशन लगा हुआ है, ब्रैकेट रहेगा ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन लगा हुआ है, यहाँ इंटीग्रेशन नहीं लगा है, ठीक। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाना हम लोग भूल गए, क्या लगाना भूल गए, ब्रैकेट ठीक है। yes, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, एफ एक्स मरना है ही इसको, इंटीग्रेशन ऑफ
अब इसका मान क्या हो जाएगा बताओ, ई पावर एक्स प्लस सी माइनस। चलो भाई इंटीग्रेशन सर वही रहेगा, सिंप्लीफाई कर रहे बस इसको यस, इसका क्या हो जाएगा ई पावर एक्स, हमने कहा लास्ट में सी रखते हैं, क्या हमने कहा लास्ट में सी रखते हैं, यही रहने तो यही काम आ जाएगा एफ डैश एक्स ई पावर एक्स डी एक्स हुआ प्लस एफ डैश एक्स ई पावर एक्स डी एक्स। अब कैंसिल हुआ, मरना दिन का तय था, हम जल्दबाजी कर गए और 302 का मुजरिम बन गए ना भाई, आप लोग मुजरिम बना लिए ना, वो थोड़ी सी जल्दबाजी में मरना तय था। एक एग्जाम्पल है ये आपका कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ई पावर एक्स डी एक्स। ओके, अब हमारे सामने समस्या है, अगर इस पार्ट का हमको इंटीग्रल करना पड़ेगा, जब ना सपोज करो ये फर्स्ट है सेकंड है या, तो अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएं, ध्यान दो सब्स्टिट्यूशन तो लगेगा नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ भी पावर टू है, घात दो है इसका, यहाँ पर घात दो है ना, डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर ध्यान दिया जाए, पता ना होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसा भी हो सकता है, भाई सोचेंगे ना, अब क्वेश्चन पाएंगे तो बताएगा तो नहीं कि बाय सब्स्टिट्यूशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्ट, इसे बताएगा तो नहीं कि बताएगा नहीं बताएगा ना, तो हमको सोचना होगा ना कि हम कैसे जाएं। ये जरा सोचिए यार, जरा आप सोचिए, क्या इस फॉर्म में ये हो सकता है क्या, भाई ई पावर एक्स लगा हुआ है, कहेंगे साहब कैसे बताऊं, कैसे बताऊं? अच्छा ये बताओ, ये बताओ क्या हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन प्लस वन नहीं कर सकते है? कर सकते एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू कर सकते हैं, इसको तो हम ऐसा भी कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस वन अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस टू वन अपॉन या यहाँ कर दूँ टू अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर कर सकता हूँ या छोड़ दीजिए इसको, ऐसे ही कर दीजिए ना, छोड़िए इसको छोड़िए प्लस, क्योंकि हमको इस फॉर्मूला लाया ना प्लस प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बोलो भाई क्या हुआ भाई, ई पावर एक्स तो है ही, यहाँ भी नहीं लिखा ई पावर एक्स डी एक्स, ई पावर एक्स डी एक्स नहीं लिखा हमने, चलिए इसको हम और क्या लिख सकते हैं जरा बताइए, तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन यस सर, x प्लस वन से घात कट जाएगी yes, इसको हम लिख सकते हैं e पावर x एक सेकंड x माइनस वन अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर x प्लस वन प्लस टू अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर एक सेकंड, तो डी एक्स तो यहाँ होगा ना, अब देखिए आप बहुत प्यार समझिएगा जरा इसका डी 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 एक्स करिए, तो डी डी एक्स आप एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन आप करिए तो टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, yes, sir. Black. Yes, sir.
अगर ये एफ एक्स है तो यह डैश एक्स है कि नहीं? Yes, तो इसका मतलब इफ इफ एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस वन बराबर एफ एक्स, तो टू अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एफ डैस एक्स होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब यह क्या हो गया जरा बताओ हमको, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इन ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैस एक्स डी एक्स ये बराबर क्या हो जाएगा? टेल मी प्लीज क्या हो जाएगा? बराबर ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, तो ई पावर एक्स एफ एक्स क्या है? एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन ना प्लस सी, दिस इज योर नोट इट प्लीज। चलो कोई प्रश्न पूछिए। चलो भाई फिर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, एक्स साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रल ना, एक्स साइन एक्स का तो अलजेब्रिक पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है, ये फर्स्ट फंक्शन है, इस तरह क्वेश्चन कर चुके हैं। अच्छा एक बात ये बताओ, अगर मैं ये कह दूँ अंडर रूट एक्स साइन एक्स डी एक्स क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप लोग? नहीं होगा ना। अगर अगर यहाँ अंडर रूट एक्स होता तो हो सकता था ना, तब हो सकता था ना, अब इसका तो होगा ही नहीं ना। हाँ इसीलिए कहा था वहाँ पर मैं लिखा था यदि यूज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। चलो भाई चलो फर्स्ट नंबर लेता हूँ, क्या जाएगा? साइन एक्स डी एक्स माइनस ब्रैकेट डी एक्स, ओके तो डी डी एक्स ऑफ एक्स डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, ओके साइन एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, यस माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स, फिर प्लस वाई के वो नहीं कर रहा है, लास्ट उसी लिखेंगे ना, कोई मतलब नहीं इसका माइनस। चलो इसका क्या हो जाएगा? वन, और साइन एक्स क्या होगा? माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ओके बराबर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ओके अब ये बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स कॉस एक्स ना, अब कॉस एक्स क्या होता है? प्लस साइन एक्स प्लस सी। कुछ में देखता हूँ वीडियोज में ऐसे अध्यापक लोग ऐसे पढ़ाते हैं कैसे, तब बोलते हैं तब हटते हैं तब पता चला ओ हमेशा छापे रहते हैं, छापे रहेंगे। लेकिन कुछ के देखता हूँ कदर नोट कर लीजिए, बगल हो गए कदर नोट करिए, नोट करिए, कम से कम इतना मौका तो दे दिया जाना चाहिए ना। नोट स्टॉप इट प्लीज। हाँ एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक्स साइन थ्री एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, एनी वन ऑफ यू कैन सॉल्व इट इंटीग्रेट इट? कम एनी वन, एनी वन प्लीज कम, थैंक यू। क्या नाम है आपका? अभय तिवारी, प्लीज कम। ऐसे लगाइए दिखता भी रहे लोगों को। हाँ हाँ
गलत हो जाएगा आपका, बिल्कुल गलत होगा। हाँ हाँ अरे या अब सही होगा। डाइट सूत्र पर रखा गया है ये साइन ए एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स डी एक्स क्या होता है, वन अपान ए साइन माइनस वन अपान ए कॉस ए एक्स ना। एक जगह पे यहाँ पर थ्री है, ठीक है, चलिए दीजिए हमको, बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो यहाँ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ आपने आपने इंडिकेट नहीं किया, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन सॉरी, फिर इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल का इंटीग्रेशन, ये किया गया है। यहाँ किलो वैल्यू पुटअप की गई है, इसका क्या हो जाएगा कॉस माइनस कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री, ठीक है, माइनस इसका इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वन माइनस कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री डी एक्स, ओके, ये तो वैल्यू आपने रख दिया वन अपॉन थ्री। फिर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये माइनस कॉस माइनस एक्स कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री, इसका करेंगे फिर वन अपॉन थ्री आएगा ना, वन प्लस वन अपॉन नाइन साइन थ्री एक्स, साइन थ्री एक्स प्लस सी, नोट इट प्लीज।